हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त सुनील एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और रोज की तरह एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं यूट्यूब टिप से रिलेटेड और अपकमिंग मोबाइल से रिलेटेड, यानी जो मोबाइल मार्केट में आने वाले होते हैं या जो मोबाइल ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुके होते हैं और उन पे काफी सारा चल रहा होता हैवी डिस्काउंट, तो उनसे रिलेटेड मैं डेली वीडियो को अपलोड करता रहता हूं। एंड सेकंड थिंग कि जो भी ऑफर चल रहे होते हैं वो ऑनलाइन चल रहे होते हैं तो उनमें मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि भाई आप इस कूपन को लगा के प्राइस और थोड़े डाउन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कैसे करना है चैनल को सब्सक्राइब आपको पता ही है, ऑलरेडी आप देख ही चुके होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, देन ऊपर की तरफ एक विंडो ओपन होती है उस पर आपको जाके ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। रोज की तरह मैं एक बार फिर एक आपके लिए एक नया मोबाइल लेके आया हूँ कि काफी सारे लोगों की इससे रिलेटेड एक क्वेरी आ रही थी कि यार कोई ऐसा मोबाइल बताओ जो बजट में भी हो। हालांकि मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें कि मोबाइल अप्रोक्स 17-18 हज़ार रुपए के आसपास का था, एंड सॉरी इवनिंग में एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी नोकिया के फोन से लेके, जो कि 4490 के आसपास का वो मोबाइल है जो कि लॉन्च होने वाला है। अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी देख सकता है। तो आज जो मैं आपके लिए मोबाइल लेके आया हूँ जो बेसिकली नेक्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है 5G मोबाइल होगा। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो अफोर्डेबल प्राइस है इस मोबाइल का, इजिली आप बाय कर सकते हैं इसे, ईएमआई पे भी जाके फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी आप ईएमआई पे भी बाय कर सकते हैं। फीचर्स इसके अंदर काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि ये जो मोबाइल है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं कि मैं जितनी भी आपको वीडियो क्रिएट करके प्रोवाइड कर देता हूं वीडियो, ऑलमोस्ट काफी सारी वेबसाइटों से रिव्यू किया जाता है, देन उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता हूं। और ये कोई इजी वर्क नहीं है कि मैंने सिर्फ एक बार बोला और आपको वीडियो क्रिएट करके मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। तो काफी सारी चीजों पे ना पहले एक रिव्यू किया जाता है, देन उसके बाद वीडियो को क्रिएट करा जाता है। तो आज जो मोबाइल है वो है वीवो का कंपनी का मोबाइल है। आपको ऑलरेडी पता होगा हर थर्ड पर्सन के पास ऑलमोस्ट वीवो ओप्पो ये काफी सारे ट्रेंडिंग में है। तो वीवो V23e 5G मोबाइल है जो कि होने वाला है विद इन वीक के, यानी अगले एक वीक के अंदर लॉन्च। तो चलिए थोड़ा सा एक बार इस पर हम थोड़ी सी हल्की सी नजर मार लेते हैं कि बेसिकली ये जो मोबाइल है इसका एक्चुअल में प्राइस क्या है और ये जो मोबाइल है हमें यूं कहें कि कितने तक का मिलने वाला है और लॉन्चिंग डेट इसकी क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि वीवो जो है आजकल उसका कैमरा काफी अट्रैक्टिव होने वाला है। इवन आप बोले तो 64-80 MP तक वीवो आज की डेट में अपने मोबाइलों के अंदर कैमरा प्रोवाइड करा रहा है। तो इसका जो एंड्रॉयड V11 है जो कि उसके साथ ही आपको मार्केट में मिलने वाला है, जो कि एक आपको पता है प्रोसेसर है जो कि सॉरी सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड V11 में भी हो सकता है कि अभी ये जो मोबाइल लॉन्च होने वाला है ये V12 के साथ लॉन्च हो जाए। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, जो प्रोसेसर है इसके अंदर वो मीडिया टेक डायमेंसिटी है जो कि 700 के साथ, ये एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है जो अभी तक इसको रेटिंग भी 4.9 की इसको रेटिंग मिल रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये प्रोसेसर कितना अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तुरंत ही पहले एक उनके प्रेस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा। ऑक्टा कोर आपको इसके अंदर मिलने वाला है जो प्रोसेसर है, 8GB यानी 8GB रैम के साथ आपको ये मोबाइल अवेलेबल होने वाला है। डिस्प्ले की हम थोड़ी सी अगर यहाँ पे बात करेंगे तो डिस्प्ले है इसकी 6.52 इंचेस की इसकी डिस्प्ले है, और अगर आप उसको सेंटीमीटर में अगर आप काउंट करते हैं तो 16.56 सेंटीमीटर होता है। स्क्रीन को लेके यहाँ पे कोई इशू नहीं है क्योंकि स्क्रीन इसकी कंफर्ट है। एंड सेकंड थिंग इसमें प्लस पॉइंट ये भी कि आप मोबाइल में जिधर से भी देखेंगे आपको सेम दिखने वाला है, ठीक है। 64 MP देखिए मैं भी आपको यही चीज बता रहा था कि 80-80 MP तक इन्होंने अपने मोबाइलों के अंदर कैमरा को बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे 64 MP का आपको इसके अंदर कैमरा मिलने वाला है और ऑलमोस्ट आपको जो कैमरे मिलने वाले हैं इसके अंदर 4 कैमरे मिलने वाले हैं, 3 बैक में एंड एक आपका फ्रंट का कैमरा होगा जिससे आप सेल्फी वगैरह ले। तो सेल्फी का जो कैमरा आ गया वो भी 32 MP का है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्लैरिटी कहाँ पे बोलेंगे भाई मोबाइल के अंदर कुछ नया है भाई। बात करेंगे हम इसके प्राइस की, प्राइस को भी थोड़ा देखेंगे कि ऑलमोस्ट इसका प्राइस कितना है भाई। अगर कहीं 70-80 हज़ार रुपये के आसपास का तो प्राइस नहीं है क्योंकि 64 MP
और इसके अंदर जो तीन कैमरे आपके मिलने वाले हैं वो 64 MP का है, प्लस 8 MP का, प्लस 2 MP का, और फ्रंट का आपको पता है 32 MP का हो गया। ये वाइड एंगल कैमरा है जो कि आपका अगर आप धूप में भी अगर फोटो को क्लिक करेंगे तो वो क्लियर फोटो आपकी आने वाली है। साथ ही साथ हम बैटरी पे थोड़ी नजर मारेंगे। बैटरी अगर हम इसकी देखते तो ऑलमोस्ट 4030 mAh की इसकी बैटरी जाने वाली है। बैटरी को लेकर यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बैटरी इसकी ऑलमोस्ट वीवो की इतनी ही रहती है, 4500 से 4000 के बीच ही रहती है इसकी mAh में। डुअल सिम आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, नैनो सिम एक्सपेक्टेड है या नहीं है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो हाँ जी बिल्कुल, आप इसके अंदर नैनो सिम यूज कर सकते हैं, और आपकी जो नैनो सिम है, डुअल सिम, आप ये मोबाइल उसको भी एक्सपेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है सॉरी, ठीक है। 128 GB इंटरनल स्टोरेज है इसके अंदर, और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इस मोबाइल के अंदर मेरे को यही लगा है कि 128 GB है, लेकिन मेन चीज होती है प्राइस। प्राइस क्या इस मोबाइल के जाने वाला है, 44 वॉट का आपको चार्जर मिलेगा इसके अंदर जो कि USB पोर्टल होगा, और इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट मोबाइल का वो एक्सपेक्टेड प्राइस है 22,999, यानी 30,000 रुपए का मोबाइल ही मार्केट में आपको इजिली अवेलेबल होने वाला है। और जो इसकी लॉन्चिंग डेट है वो विद इन वीक के अंदर है, यानी कि ये मोबाइल आपका 23 नवंबर को ये मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा, यानी 23 से 24, मतलब 23 24 25, इन 3 दिनों के अंदर ये किसी भी दिन आपका ये मोबाइल आपका लॉन्च हो सकता है इजिली। तो वीवो यार एक ब्रांड है, पहली चीज है कि वीवो पे इजिली बिलीव करते हैं लोग, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, शाओमी हो गया। तो ये कैमरे के मामले में ना बहुत बढ़िया मोबाइल होता है, तो कैमरे के मामले में इनमें कोई इशू नहीं आती है, एंड बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा होता है। ऑलमोस्ट मैंने एक वीवो का मोबाइल आज तक कभी यूज नहीं करा, पर मेरे रिलेटिव ने कराया, तो रिस्पॉन्स अच्छा है वीवो का, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से अमेजोन से बाय कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है थोड़ा सा, और EMI पे भी प्लस पॉइंट है आपका, बाय कर सकते हैं। बाकी आपके नियर बाई कोई रिटेलर हो तो आप वहां से भी उसको इजिली बाय कर सकते हैं अपने आधार कार्ड वगैरह से, जैसे आज की डेट में फाइनेंस हो जाता है इजिली। तो चलिए आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही बताने वाला था, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी करूंगा आपसे कि भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा भाई और भी लोग उसे, ताकि मेरी वीडियो को देख लें, पता चला आप अपनी मेहनत की कमाई, अगर आप दे रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई से मोबाइल बाय कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट चीज भी अच्छी लो हमेशा, क्योंकि बेकार चीज लेने में कुछ फायदा नहीं है। और आप मल्टीमीडिया मोबाइल चला रहे हैं, आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मल्टीमीडिया मोबाइल चला रहे हैं और इस पे आप कोई मोबाइल बाय कर रहे हैं, तो एक बार यूट्यूब पे हमेशा जाके उसको रिव्यू जरूर कर लिए, तभी आप कोई चीज बाय करें। तो चलिए ओके, बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना, अपनी फैमिली का, एंड टेक केयर।